दोस्तों, ये डॉक्टर हुड्डा द्वारा जो बुक का लॉन्च किया जा रहा है, इसमें तमाम जो हमारे इलेक्ट्रोपैथी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये इस प्रकार से जो है लॉन्चिंग शुरू हो गई है। जाओ पटा सर, विमोचन के बारे में दो शब्द, बुक के बारे में दो शब्द बोलिए। मैं समझता हूँ आज का बड़ा ही मनोहल मुद्दा और इसका बहुत अथक प्रयास है। मैं समझता हूँ कि एक इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिसर के लिए बहुत ही कारगर होगी और एक बिल्कुल पत्र जो वाकई में सही मायने में इस दिशा में कार्यरत है और काम करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रिसर्च स्कॉलर और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है। हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऊपर एक बुक लिखी और इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक के अंदर जो है हमने डायग्नोसिस को कैसे बनाया जाए फाइव एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो फाइव एलिमेंट से मिलकर के बनी है और जब जब बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तब तक हमारी बॉडी जो है कुछ उसके सिम्टम्स देती है और जितनी भी डिजीजेज हैं वो सब उन पांच एलिमेंट्स का ही कारण होती है। इस बुक के अंदर हमने लिखा है कि जब बॉडी की क्या लैंग्वेज है, यानी कि जब कोई एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो बॉडी के ऊपर क्या क्या सिम्टम्स आपको जो है वो दिखाई देंगे और उन सिम्टम्स का फिर आप आगे कैसे जो है वो इलाज कर सकते हो। तो ये जो बुक है वो डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि आजकल डायग्नोसिस करना एक तो मुश्किल हो रहा है और दूसरी बात मुश्किल के साथ साथ महंगा बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, क्योंकि एक आम गरीब पेशेंट के लिए इतने सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन फाइव एलिमेंट्स को जानने के बाद में हम बहुत आसानी से बिना किसी खर्चे के उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। तो ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस में सहायक होगी मेरे सभी डॉक्टर्स के और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितना भी हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं और पूरे देश के जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं सभी डॉक्टर्स का जो है धन्यवाद देता हूँ और स्पेशली ये हमारी जो रिसर्च टीम है और जिन लोगों ने इस बुक में साथ दिया है हम लोगों को लिखने में और इसके को राइटर डॉक्टर बुशरा जल, उन सभी लोगों का भी जो है वो मैं धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले भी आपने कुछ बुक लिखी है? हाँ, ये मेरी तीसरी बुक है। इससे पहले मैंने पहली जो बुक लिखी थी वो डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के ऊपर लिखी थी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बुक थी वो, और फिर उसके बाद मैं सेकेंड बुक लिखी थी वो एडवांस कोर्स के ऊपर लिखी थी और ये मेरी थर्ड बुक है। इलेक्ट्रोपैथ किस तरीके से काम करता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति के अंदर जो हम दवाइयाँ बनाते हैं वो दवाइयाँ हमारी स्पेसिफिक मेडिसिन कहलाती है और ये मेडिसिन जो है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, पेड़ पौधों से तैयार की जाती है। लेकिन पेड़ पौधों से तैयार कराई जाने वाली दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ भी हैं जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो पेड़ पौधों से हम दवाइयाँ तैयार करते हैं उन दवाइयों को बनाने का जो तरीका है वो इन सभी चिकित्सा पद्धतियों से अलग है। वो तरीका जो है वो स्पेसिफिक तरीका कहलाता है। इस पेजरिंग प्रोसेस के अंदर क्या है कि हमारी मेडिसिन के अंदर कोई भी प्लांट का टॉक्सिन पार्ट नहीं आता है और प्लांट की एनर्जी उसके अंदर आती है। तो हम लोग जो वर्क करते हैं, मेडिसिन हमारी जो वर्क करती है और जो पूरा हमारा जो सिस्टम है वो हम लोग बॉडी एनर्जी के ऊपर वर्क करते हैं कि बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है तो उसकी वजह से ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स दिखाई देने लगे। तो हम उन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है फिर हम उस ऑर्गन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस इंडिया के अंदर लगभग 150 साल से की जा रही है। सबसे पहले फादर मुलर इसको जो है वो मैंगलोर के अंदर रह करके आए और आज लगभग लाखों की तादाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर जो है प्रैक्टिस करते हैं और भारत सरकार का भी एक शासनादेश है जो कि 2010 में हुआ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर आप प्रमोशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में सभी राज्यों ने इसके लिए अपने अपने राज्य स्तर के ऊपर जियो जारी करे और राजस्थान इसके अंदर एक पहला ऐसा राज्य बना जिसने जो है वो विधानसभा के अंदर विधेयक ला करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सरकारी मान्यता दी। जो लोग डायग्नोसिस से परेशान हैं या तो पेशेंट हो या डॉक्टर, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी डॉक्टर्स को यही कहना चाहूँगा डायग्नोसिस को लेकर के कि डायग्नोसिस करने के लिए बॉडी की लैंग्वेज को समझें कि हमारा शरीर हमसे क्या बोल रहा है
कि बॉडी की भी अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो बताती है कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो, ठीक है। बॉडी का जो बॉडी जो हमसे बोल रही है वो फर्स्ट उसकी बात है और वो सबसे ज़्यादा सच्ची बात होती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एक बार को डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन जो बॉडी कह रही है वो कभी भी जो है डिस्टर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर हुदा। अभी और भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे, क्या कुछ है पूरा आपको दिखाएंगे, बने रहिए। हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट हैं ये डॉक्टर भंडारी। किस तरीके से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज किस लिए ये प्रोग्राम आए हैं? मैं डॉक्टर भूपेंद्र भंडारी हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी उत्तराखंड का मैं प्रेसिडेंट हूँ वर्तमान में। इस तरह का एक कार्यक्रम, ये कार्यशाला है, यहाँ पर डॉक्टर हुदा जी यहाँ आए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, सिस्टम के बारे में, मेडिसिन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें यहाँ पर उन्होंने उपलब्ध कराई। इसके लिए संगठन उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। और इस तरह से संगठन के माध्यम से कई बार इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। पहले भी इस तरह की कार्यशालाएँ हमारे देहरादून में और प्रदेश स्तर पर अन्य जनपदों में भी होती रहती हैं। और हमारा जो संगठन है वो समय समय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कैंप कई जगहों पर आयोजित करता है और कैंप के माध्यम से हजारों लोगों का इलाज निःशुल्क हम लोग उपलब्ध कराते हैं। आगामी 11 जनवरी को इधर बालावाला में इंटर कॉलेज है बालावाला, वहाँ हम लोग एक कैंप आयोजित कर रहे हैं निःशुल्क, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से हम लोग लोगों को निःशुल्क उपचार कराएंगे, दवाइयाँ देंगे। और मुझे उम्मीद है कि उस कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे। कैंप का उद्घाटन हमारे हम लोगों ने वहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक हैं डॉक्टर गैरोलॉजी है, भूषण गैरोलॉजी हैं, उनको आमंत्रित किया है और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। कितने डॉक्टर होंगे इलेक्ट्रोपैथ के पूरे उत्तराखंड? उत्तराखंड में मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादातर सुदूर गढ़वाल मंडल में ज़्यादा डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, कुमाऊं मंडल में भी काफ़ी डॉक्टर हैं। तो हम लोग 1886 से मतलब यहाँ देहरादून में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ज्योति है वो प्रज्वलित हुई थी और तब से यहाँ पर डॉक्टर लोग जो है 1990 में हमारा पहला बैच यहाँ पर निकला। इलेक्ट्रोपैथ की बात हम कर रहे हैं, पहला हॉस्पिटल जो खोला है इलेक्ट्रोपैथ का डॉक्टर चमोली ने खोला है, हेड भी हैं एजुकेशनल ग्रुप के, ये हेड भी हैं। डॉक्टर साहब पहले सबसे पहले यही सवाल है कि इलेक्ट्रोपैथ को उस तरह की जो बीमारियाँ हो रही हैं उससे किस तरीके से अलग देखते हैं आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेंद्र चमोली अठरों बारह जोलीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 14 सालों से सेवाएं दे रहा हूँ राज्य के लिए। और इलेक्ट्रोपैथी जहाँ तक आपके सवालों का आंसर दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोपैथी एक डिफरेंट टाइप की पैथी है, जो अन्य पैथियाँ जो कर रही हैं वो भी अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी एक विशिष्ट तरीके से काम करती है, क्योंकि कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस रेमेडीज के अंदर नहीं है और किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। जो भी क्रॉनिक केसेस हैं उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा से करके हम एक्यूट केसेस भी देखते हैं लेकिन क्रॉनिक केसेस ज़्यादा देखते हैं। जैसे गैंग्रीन जैसे बीमारी को हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से ठीक कर रहे हैं आज के डेट में, और 7 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट्स मिल रहे हैं पेशेंट्स को, किसी भी सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही गॉलब्लैडर स्टोन का है, रहने में पथरी बन जाती है, या रेनल स्टोन है, या ब्रेन कैंसर जैसी भयावह बीमारी को जिसमें कि फाइनेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है मरीज को, और मानसिक रूप से भी सारे रूप से और सभी तरीके से जो मजबूत मरीज होते हैं आज के डेट में उनके लिए इलेक्ट्रोपैथी वरदान साबित होती है। बहुत कम पैसे में और आसान तरीके से, और जो आज का जो सब्जेक्ट है वो 5 एलिमेंट के द्वारा हम लोग डायग्नोज करते हैं, ये बहुत ही आसान और कम पैसे में डायग्नोज होने वाला तरीका है। यही हम इलेक्ट्रोपैथी में उपयोग दिला रहे हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आज के डेट में मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर इलेक्ट्रोपैथ के माध्यम से वो अपना इलाज कराता है कितना खर्च वो कर देगा ठीक होने के लिए लगभग? एक
जैसे पैरालिसिस जैसे परेशानी के लिए अगर मरीज हमारे चिकित्सकों के पास आता है तो मुश्किल से महीने भर की दवाइयाँ 3,000-500 रुपये में वो लाभ लेता है। और आज के डेट में पैरालिसिस में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे चिकित्सकों को मिल